हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। सो ये वीडियो से पहले मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर तुम लोग ने मेरा 3 ईयरली मूविंग एवरेज वीडियो, मतलब जो उसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो फटाक से देखो। ठीक है, अगर देखा है तो कोई बात नहीं, वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। मूविंग एवरेज मेथड, 4 ईयरली। 4 ईयरली मतलब इवन, जब तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर क्या रहेगा, इवन रहेगा। ये वीडियो में हम लोग मेरिट डिमेरिट कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो में सिर्फ हम लोग इतना समझेंगे कि अगर मूविंग एवरेज मेथड कैलकुलेट करना रहेगा और जो तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर वो इवन रहेगा तो कैसे करेंगे। 4 6 8 कैसे, समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान दो। पहले तुमको जो टाइम दिया रहेगा, ईयर, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, बट तुम्हें इतना ध्यान रखना है, तुम्हारा पहला कॉलम टाइम रहेगा, तुम टाइम को लिख दो। उसके बाजू में उसका YT मतलब प्रोडक्शन, मतलब वैल्यू, वैल्यू एट पर्टिकुलर टाइम, डिमांड हो सकता है, सेल हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बाजू में लिख दो। 1987 3.6 यूनिट जो भी होगा वो लिखने का, मैंने यूनिट जानबूझ के नहीं लिखा। अब इसके बाद तुम लोग को निकालना है 4 ईयरली मूविंग टोटल। जैसे हम लोग ने 3 ईयरली मूविंग टोटल निकाला था, वैसे तुमको 4 ईयरली मूविंग टोटल निकालना है। समझ में आ रहा है? 3 ईयरली मूविंग टोटल तुमको ने कैसे निकाला था? सर, 3 को ऐड किया था और उसको सेंटर में रखा था। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? 4 को, मतलब 3.6 वैल्यू है YT, 3.6, 4.3, 4.3 और 3.4, ये 4 को ऐड कर दिया, 4 को ऐड कर दिया। हाँ, 3.6, 4.3, 4.3 और 3.4, ये चारों को ऐड किया। चारों को ऐड करने के बाद, हाँ मेरा हाथ देखना, लिखेंगे कहाँ पे? सर, 4 है ना, तो सेंटर कहाँ पे? सेंटर कहाँ पे? साइड में देखो, 1 2 3 4, ये चारों वैल्यू तुमने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद तुम्हें आंसर मिला 15.6, बट लिखोगे कहाँ पे? तो लिखोगे तुम फर्स्ट को छोड़ दो, लास्ट को छोड़ दो, सेकंड और थर्ड के बीच में लिखने का, हमेशा किसके बीच में लिखने का? सेकंड और थर्ड के बीच में लिखने का। मीन्स मैंने जानबूझ के एरो बनाया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का टोटल सेकेंड और थर्ड के बीच में लिखने का। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। हाँ, अब मैंने ऊपर का एक छोड़ दिया, ऊपर का एक छोड़ दिया। अब 4.3, 4.3, 3.4 और 4.4, ये 4 ऐड करो। ठीक है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये 4 ऐड करो। 4.3, 4.3, 4.3, 3.4, 4.4, ये चारों को ऐड करने का, और इसमें सेकंड और थर्ड के बीच में लिखने का, सेकंड और थर्ड के बीच में लिखने का 16.4। समझ में आ रहा है? मतलब जब तुम नोटबुक में करोगे तो ईयर लिखने टाइम एक 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 लाइन छोड़ने का, मतलब 1987 के बाद एक लाइन लीव करो, फिर 1988 लिखो, फिर एक लाइन लीव करो, फिर 1989 लिखो, फिर एक लाइन लीव करो, फिर 1990 लिखो। समझ में आ रहा है? जिससे तुमको ये आराम से लिखने होगा। क्या बोले? एक एक लाइन लीव करके करने का, 1987 फिर एक लाइन लीव करो, फिर 1989 फिर सिंगल लाइन लीव करो, फिर 1989। ठीक है, ऐसा करने का, ये समझा? अब इसके बाद मैं इसको वापस से इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ, अब देखो ध्यान से, अब तुम 4.3 को छोड़ दो, एक एक ईयर को ओमिट करते जाने का, एक एक ईयर को ओमिट करते जाने का। देखो ध्यान से, इधर 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 मैं बताता हूँ, नहीं समझा रहेगा तो। ग्राफ 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले क्या करने का? पहले ये 4 का टोटल फाइंड आउट करने का और यहाँ बीच में लिखने का, फिर ये 4 का टोटल फाइंड आउट करने का और यहाँ बीच में लिखने का। समझ में आ रहा है? सेकंड और थर्ड के बीच में लिखने का। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही करना है तुम लोग को, 4 का टोटल फाइंड आउट करना है, सेकंड और थर्ड के बीच में लिखना है, 4 का टोटल फाइंड आउट करना है, सेकंड और थर्ड के सेंटर में लिखना है। ठीक है, फिर से एक और चीज, अभी तुमने, सर हमने ये करके टोटल कर लिया, ये करके टोटल कर लिया, अब इसका करने का 4.3, 3.4, 4.6 और 5.2, ये 4 को फाइंड आउट करो, ये 4 को टोटल करो और सेकंड और थर्ड के बीच में, सेकंड और थर्ड मतलब सर फर्स्ट और लास्ट छोड़ दो, सेकंड और थर्ड का टोटल कितना आएगा? 17.3। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 3 तुमने लिख दिया है, 3 तुमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है, अभी क्या? 3.4, 4.4, 5.2 और 3.8, ये 4 को ऐड करो और सेकंड और थर्ड के बीच में क्या आंसर आएगा? 16.8। सेम ऐड करो, आगे का 4 ऐड करो, मतलब एक एक छोड़ते जाने का, एक एक छोड़ते जाने का, ऐड करते जाने का। समझ में आ रहा है? अब देखो ये लास्ट देखो, 5.2, 3.8, 4.9 और 5.4, 1 2 3 4, ये चारों को ऐड किया, सेकंड और थर्ड के बीच में लिख दिया। अब जब तुम 5.2 को लीव करोगे तो तुम्हें सिर्फ 3 ही वैल्यू मिलेगा। तुम्हें कितना वैल्यू मिला? 3 वैल्यू मिला। तो अभी 4 ईयरली के लिए तुम्हें 4 ईयर चाहिए, तो तुम्हें 3 ही वैल्यू मिला, इसके लिए डैश आ जाएगा। यहाँ पे भी पहला वाला क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब तुम जो तुमने ये दोनों के बीच में पूरा कैलकुलेशन किया है, अब 15.6 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से, तुम्हें आंसर मिलेगा 3.9। 16.4 को 4 से डिवाइड करोगे 4.1। 17.3 को 4 से डिवाइड करोगे 4.325। अब ये सामने सामने लिखने का, 4.2, 4.575, 4.825। अभी ये तुम्हारा ट्रेंड वैल्यू है या नहीं, समझते? हाँ, समझते। 3 ईयरली में यहीं पे खत्म हो जाता है, बट 4 ईयरली में ऐसा नहीं होता। 4 ईयरली में क्यों ऐसा नहीं होता? अब देखो, ये जो 3.9 है, ये जो 3.9 वैल्यू है, ये कौन से ईयर की है? 87 की है, 88 की है, 89 की है, 90 की है, पता नहीं ये कौन से ईयर की है। सर, जो ये वैल्यू है, आपने
15.6 को 4.3 और 4.3 के बीच में लिखा, ये 4.388 का, ये 4.389 का, मीन जो ये 3.9 वैल्यू आया ये 88 और 89 के बीच में आया। एग्जैक्ट ईयर तो मिला नहीं, तुम्हें ईयर के करस्पॉन्ड ट्रेंड निकालना है, इसका मतलब तुम्हें इसको भी सेंटर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक और बार बता देता हूं। हां, ये 4.1, ये 4.1 16.4 को जब 4 से डिवाइड किया तो 4.1 आंसर आया, बट 16.4 को तुमने 4.3 और 3.4 के नीचे 3.4 के बीच में रखा। हाँ, अब ध्यान देना, 4.389 का वैल्यू है और 3.490 का वैल्यू है, मतलब दोनों के बीच में 16.4 आएगा और 16.4 के सामने 4.1 आएगा, तो 4.1 के करस्पॉन्डिंग कोई ईयर नहीं सर, 4.1 ना 89 और 90 के बीच में, तो 4.1 कौन से ईयर का ट्रेंड वैल्यू है, तो इसके लिए हमें सेंटर्ड करना पड़ता है। जब भी 4 ईयरली मूविंग एवरेज रहेगा या इवन ईयरली मूविंग एवरेज रहेगा तो हमें सेंटर्ड करना पड़ेगा। तो 2 यूनिट मूविंग एवरेज, समझ में आ रहा है? 2 यूनिट मूविंग एवरेज हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। मतलब क्या, जो तुम्हारा मूविंग एवरेज आया है, अब हम लोग ये एवरेज का एवरेज फाइंड आउट करेंगे। कैसे एवरेज का एवरेज कैसे निकालेंगे, ये दो को पहले टोटल करो, 3.9 और 4.1 का टोटल करो। टोटल करने के बाद 3.9 और 4.1, एक मिनट रुको, मैं 3.1 का सर्कल इरेज कर देता हूँ। 3.9 था ना, 3.9 ना, 3.9 और 4.1 का टोटल करो और सामने रखो, किसके, 3.9 के भी नहीं 4.1 के नहीं, दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है? मतलब सर, दो लोग का अगर मुझे टोटल करना है और मुझे मैं किसके सामने लिखूंगा, तो मैं दोनों के सेंटर में लिखूंगा। हाँ, मतलब 3.9 और 4.1 को ऐड करके दोनों के सेंटर में लिख दो 8, 4.1 और 4.325 को ऐड करो और दोनों के सेंटर में लिख दो 8.425, 4.325 और 4.2 को ऐड करो दोनों के सेंटर में लिखो 8.525, 4.2 और 4.575 को ऐड करो उनके सेंटर में लिखो। इसके लिए मैंने एरो बनाया, एरो काफी हेल्पफुल है समझने के लिए। 8.775, 4.575 और 4.825 को ऐड करो दोनों के सेंटर में लिख दो 9.4, ठीक है, सेंटर मिल गया 8.425, 8.525, 8.775 और 9.4। इसके बाद क्या, इसके बाद ये है कि मुझे मीन फाइंड आउट करना है। अब तुम 8 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से, तुम्हें एवरेज चाहिए ना, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। बट यहाँ पे 4 ईयरली लिखा तो दिमाग में याद आया, दिमाग में आएगा कि हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं, तुमने 2 को ऐड किया, तो 8 के मीन के लिए तुम, मतलब यहाँ का अगर मीन चाहिए तो 2 से डिवाइड करो, तो 8 को 2 से डिवाइड करो 4 आंसर आएगा, 8.425 को 2 से डिवाइड करो 4.225 आएगा, 8.525 को डिवाइड करो 4.2625, 8.775 को 2 से डिवाइड करो 4.3875, 9.4 को डिवाइड करो 4.75। तो क्या ये ट्रेंड वैल्यू, समझते कैसे, कैसे अभी देखो ध्यान से, 3.9 और 4.1 के सेंटर में आया 8, 3.9 और 4.1 के सेंटर में आया 8। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो जो 8 है, 8 ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 8 है 89 के सामने, 889 के सामने। इसके बाद 8.4245 किसके करस्पॉन्डिंग है, 90 के सामने। फिर 8.525 किसके करस्पॉन्डिंग है, मैं जानबूझ के इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें लाइन बताना है, 8.525 91 के सामने। फिर 8.775 किसके करस्पॉन्डिंग है, 92 के करस्पॉन्डिंग है। और 9.4 किसके करस्पॉन्डिंग है, 93 के करस्पॉन्डिंग, सही है नहीं? मतलब 89 का ट्रेंड वैल्यू है 4, 90 का ट्रेंड वैल्यू है 4.2125, 91 का ट्रेंड वैल्यू है 4.2625, 92 का ट्रेंड वैल्यू है 4.3875, 93 का ट्रेंड वैल्यू है 4.7। अब क्या सर, मेरे पास ईयर है, मेरे पास ट्रेंड वैल्यू है, मेरा आंसर हो गया। अगर किसी ने ग्राफ में प्लॉट करने बोला तो क्या करोगे, ईयर के सामने उसका ट्रेंड वैल्यू प्लॉट करो और लाइन ड्रॉ कर दो, कनेक्ट कर दो, बस दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? ये एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, सीधा कनेक्ट कर दो। समझ में आ रहा है? कनेक्ट कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है? समझ गया कैसा करना है? हाँ, तुमको एक बार खुद से ट्राई करना, और मैंने जैसे करना है बोला वैसे ही करना। अगर तुम्हें नोटबुक में बोला है तो लाइंस को लीव करो, तब तुमको प्रॉपर सामने मिलेगा, लाइंस को लीव करो तुमको प्रॉपर सामने मिलेगा। तो फटाक से वीडियो पॉज करो, अभी पॉज करो, हाँ अभी पॉज करो, और फटाक से इसको एक बार खुद से करने का ट्राई करो, ठीक है? और अगर कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, प्लस डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, उस पर क्लिक करके तुम कुछ भी अमाउंट चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।